अंधेरे पहाड़ों में से अचानक एक जर्द रंगत खौफ जिदा बच्ची नमूदार हुई, जो हमजा के पास आके कहने लगी, साहिब, क्या आपके पास खाने को कुछ है? साहिब, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दोगे? हमजा, जो कि रात के सन्नाटे में उसके अचानक नमूदार होने पे हैरत में आ गया, इससे पहले कि वो उससे सवाल करता कि तुम इस वक्त यहाँ कर क्या रही हो, उसने उस बच्ची की शिद्दत को महसूस किया, उसकी भूख की शिद्दत, जिसे देख के वो कहने लगा, तुम यहीं पे ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अपने बैग में से एक सैंडविच निकाल के लाता हूँ। वो बच्ची कहने लगी, साहिब, आप वापस तो आओगे ना? क्या आप भी मुझे मेरे मामा बाबा की तरह यहाँ छोड़ के चले तो नहीं जाओगे? हमजा कहने लगा, नहीं नहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ये किस्सा 2001 का है, जब यूनिवर्सिटी के एक पूरे कैंपस ने ऑल बलूचिस्तान टूर का प्लान बनाया और अपनी यूनिवर्सिटी के हमरा वो बलूचिस्तान टूर के लिए निकले। यहाँ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से होते हुए उनका पड़ाव चिल्तन के पहाड़ों से हुआ। कोहे चिल्तन, जिसके बारे में काफी लोग जानते हैं, ये यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस यहाँ पे रुका, अपने टेंट्स इन्होंने यहाँ पे नस्ब किए, बॉनफायर की, काफी रात हो चुकी थी, तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने कैंप में जाके सो चुके थे। तहम उसी दौरान यूनिवर्सिटी के तीन दोस्त, जिनका नाम हमजा, आदिल और खिरत था, उन्होंने तारीख रात को देख के सोचा कि हम क्यों ना छुपके से जाके किसी पहाड़ के पीछे स्मोकिंग करें। ये तीनों काफ़ी बिगड़े हुए से यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, तहम उन्हें पता था कि अगर हमें यहाँ पे कोई हेड टीचर स्मोकिंग करते हुए देखेंगे तो वो हमारी कंप्लेन कर देंगे, हम एक्सपेल्ड हो सकते हैं। चनाचा तीनों स्मोकिंग की गर से कोहे चिल्तन पे एक गारनुमा जगह पे जाके छुप गए, अपने सिगरेट्स निकाले, स्मोकिंग करने लगे। इतने में हमजा, आदिल, खिरत, जो कि तीन बेस्ट फ्रेंड थे, उनमें से एक दोस्त हमजा, जो कि नशे का आदी था, वो हशीश यानी चर्स का नशा करता था, जो ही खिरत और आदिल ने देखा कि हमजा ने हशीश निकाल के सिगरेट में भरना शुरू कर दी है, वो खौफ के मारे वहाँ से चल दिए। उन्हें डर था कि अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो तीनों को एक्सपेल करेंगे, बल्कि बहुत जलालत भी होगी और हमजा के साथ बिला वजह आदिल और खिरत भी घसीटे में आएंगे। खिरत और अदील के जाने के बाद हमजा वहाँ पे अकेला बैठा रहा और आशीष को अपने सिगरेट में भर रहा था। चनाचा वो देखता है एक कम सिन सी मासूम सी छोटी सी बच्ची, तकरीबन 4-5 साल की, रात के उस पहर सख्त अंधेरे में न जाने पहाड़ों में कहाँ से नमूदार हुई और हमजे के करीब आके कहने लगी, साहिब, मैं बहुत भूखी हूँ, आपके पास खाने को कुछ होगा? हमजा पहले काफ़ी हैरत में खो गया कि इस वक्त इस रात जहाँ दूर दूर तक किसी घर का नामो निशान नहीं है, वहाँ एक छोटी 5 साला बच्ची कर क्या रही है? पूरे टूर में पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस के साथ उसने उस बच्ची को नहीं देखा था। चनाचा वो बच्ची अपनी आंखों में उम्मीदें दबाए हमजा के चेहरे को तक रही थी और कह रही थी, साहिब, मैं बहुत भूखी हूँ कई दिनों से, आप कुछ खाने को देंगे? हमजा ने उस बच्ची को कहा कि तुम यहीं पे ठहरो,
मैं अपने बैग में से एक सैंडविच निकाल के तुम्हारे लिए लाता हूँ। ये कहना था कि वो बच्ची काफ़ी परेशान सी हो गई और अब सुर्दगी से देख के कहने लगी, साहिब आप वापस आओगे ना? कहीं मेरे मामा बाबा की तरह आप भी मुझे यहाँ छोड़ के चले तो नहीं जाओगे? हमजा ने हैरत से बच्ची को फिर गौर से देखा और वादा किया, हाँ बेटा मैं वापस ज़रूर आऊँगा तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके। छोटी सी बच्ची पास थी, देख के हमजा ने अपना सिगरेट बुझा दिया और अपने नशे के इरादे को तर्क करके उसकी मदद के लिए अपने बैग की तरफ चल दिया। जो अपने बैग में से सैंडविच लेके और एक पानी की बोतल लेके वापस इसी जगह पर आया तो वो बच्ची वहाँ खड़ी मुस्कुरा रही थी और कहने लगी, साहिब आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे खाने के लिए दिया ये सैंडविच, मैं अपने बाकी बहन भाइयों को भी खिलाना चाहती हूँ, आप यहीं पे रुके, मेरे बाकी बहन भाई भी आ रहे हैं। हमजा ने कहा, बहन भाई क्या मतलब? ये सवाल हमजा ने किया और मानो पल के झपकी ही हों तो ये नज़ारा बदल गया। वो कमसिन सी बच्ची जो पास खड़ी हुई थी, उस बच्ची के साथ इस वक्त बहुत सारे तकरीबन 40-50 छोटे छोटे 1 साल से लेके 8 साल तक की उम्र के बच्चे खड़े हो गए और वो बच्चे बड़ी मोहब्बत से हमजा की तरफ देख रहे थे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब हमजा ने सारे बच्चों पे अपनी नज़र दौड़ाई तो वो खौफ की गिरफ्त में आ गया जब उसने देखा कि कुछ बच्चे एक दूसरे को खा रहे हैं और देखते ही देखते वो तमाम बच्चे मानो उनके चेहरे की रंगतें ऐसे तब्दील हो रही हैं जैसे वो जिंदा नहीं हों, वो मुर्दा हों। ये मंजर देखते ही हमजा खौफ से भागने लगा और अपने कैंप्स की तरफ आ गया। हमजा शोर मचा के सबको जगा के तमाम बातें बताना चाहता था कि न जाने हमजा को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया है। और देखते ही देखते अंधेरा बढ़ गया और हमजा जमीन पे गिरा और बेहोश हो गया। अगले दिन जब सुबह सुबह पूरा कैंपस उठा, उन्होंने देखा कि अपने कैंप के बाहर हमजा ऐसे ही पड़ा हुआ सो रहा है तो काफ़ी हैरत में आए। डॉक्टर ने चेक किया तो कहा कि इसके सलाइवा सिम्टम्स के अंदर हशीश स्मोक जो हैं पार्टिकल्स मिले हैं और सब ने ये मान लिया कि वो नशे की हालत में वहाँ पे गिरा था। हमजा सबको बताता रहा अपने रात को देखे वाले मंजर के बारे में, किसी ने उसका यकीन नहीं किया। इवन उसके बेस्ट फ्रेंड आदिल और खिरत भी उसकी बात को मानने को तैयार नहीं थे। हमजा कहता, मेरा यकीन करो आदिल खिरत, तुम मेरे साथ वहाँ पे गए थे, क्या वो बच्चे तुम्हें नज़र नहीं आए? आदिल और खिरत उसकी बातों का मजाक उड़ाते रहे और कहते रहे, नहीं हमजा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम आशीष ले रहे थे, तुम नशा कर रहे थे, ये सब उसी का ही असर है जो तुम्हें बच्चे नज़र आए। तो हमने तुम्हें मना भी किया था कि हम इस वक्त कैंपिंग कर रहे हैं, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तुम्हें नशा नहीं करना चाहिए था। अलबत्ता तुम अब हमारा नाम मत लेना कि हम तुम्हारे साथ ही स्मोकिंग कर रहे थे, खुदा के लिए अब हमें मत फंसवा देना। हमजा कहने लगा, नहीं मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगा, लेकिन प्लीज़ मेरा यकीन करो, यहाँ पे कोई मसला है, छोटे छोटे बच्चे हमारी मदद चाहते हैं, लेकिन वो बच्चे जो एक दूसरे को खा रहे थे वो सब क्या था? मेरे साथ इस मामले का पता लगाओ। हमजा का साइकोपन देख के पूरे कैंपस ने ये फैसला तो कर लिया कि हमने कोहे चिल्तन को आज ही छोड़ देना और हम अपना टूर आगे बढ़ेंगे, अपने आगे मंजिल पर जाएंगे। और हुआ भी कुछ यूँ, अपनी मंजिल पर रवा दवा वो आगे बढ़ गए, कोयटा के एरिया में चले गए और हमजा को उसके घर भेज दिया गया। ना सिर्फ घर भेजा गया बल्कि उसको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड भी कर दिया। जब ये पूरा कैंपस टूर करके वापस लौटा तो उस टाइम जो फोटोग्राफ्स ली जाती थी, 2000-2001 की बात है, उस टाइम जो फोटोग्राफ्स ली जाती थी कैमरा में, उससे बाद में नेगेटिव को धुलवाया जाता था। तो बहरहाल तमाम स्टूडेंट्स ने अपने कैमराज में ली गई फ़ोटोग्राफ को जब धुलवाया तो वो सब हैरान थे क्योंकि वहाँ पे कोहे चिल्तन पे कोई बच्चा मौजूद नहीं था, लेकिन हर एक के फ़ोटोग्राफ में कहीं ना कहीं छोटा बच्चा 1 साल से लेके
8 साल की उम्र तक के बच्चे, कहीं दो बच्चे कहीं खेलते हुए कहीं देखते हुए उनकी फोटोज में आए। इस यूनिवर्सिटी के पूरे कैंपस ने बकायदा उस टाइम रेडियो पाकिस्तान में आके इस होने वाले वाकये के बारे में भी बताया था। वो मकाम, वो जगह कोहे चिल्तन, जिसकी कहानी मैंने आपको बताई है, इसके बारे में मैं मज़ीद आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कमेंट सेक्शन में आप सबका वेलकम कर लूँ। जी मुझे सुनने वाले तमाम नाजरीन, मेरे शब के सितारों, इस रात के थके हुए शहसवारों, आप सबकी समातों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल मुहीद, काजी सऊद अली, आयशा एमन, ए आर सलाम की थी, नो वॉइस। अच्छा जी, वॉइस आ रही तो मुझे बता दे ताकि मैं मज़ीद आप वाकये की तरफ बढ़ूँ, तो ये ना हो आप वो मिस कर जाएँ। फेसबुक पे भी मुझे बता दें और इंस्टा पे भी बता दें आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, आप लोगों को मेरी आवाज़ सही से मौसूल हो रही है। फैसल अहमद बलोच, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप। शेख जैद बिन अशरफ कहते हैं, गुड टू हियर यू आफ्टर लॉन्ग इंटरवल। यस बिल्कुल, मुहर्रम की वजह से मैं शो नहीं कर रही थी, काफ़ी मसरूफियत थी। मैडम मैं वापस आ चुकी हूँ और शो को कंटिन्यू किया हुआ है। सो कोहे चिल्तन के बारे में मज़ीद बताने से पहले मैं आप लोगों के नाम शामिल कर लूँ, आप लोगों की हाज़िरी लगा लूँ। मुझे यहाँ पे स्टार लिब्रा, शफक सैयद, मोहम्मद जार 33, लॉर्ड ओसैम, इट्स मी शयान अली, रिजवान इखलाक, अब्दुल राफे, हमजा एस एच के, शहीर शाहिद, जवार हुसैन, शाह प्राइवेट मोहुद्दीन, माहम इमरान, नवीद सईद, एम जेदी टोरस, गर्ल मिक्स प्लेट, अयान अहमद, इंजीनियर परी, फरहाद, रूहान नियाजी, महवी सरफराज, आयशा अमन, जयान खान, ए आर अरसलान, अब्दुल मुहीद, तैमूर दुरानी, तलहा शेख सुन रहे हैं यहाँ पे, और हमज़ा सरवर जी आपका नाम ले लिया, हमज़ा सरवर, फैसल अहमद बलोच, सोनी, शेख जैद बिन अशरफ, सब लोग मुझे सुन रहे हैं जी। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। शो बकायदा आगाज़ हो चुका है अपने वक्त के मुताबिक 2 बजे, यानी कि हर हफ्ते की रात जैसे होता है। सो हॉरर नाइट विद फिज़ा, जिसने आज सुनना शुरू किया है उन्हें बता दूँ कि हॉरर नाइट विद फिज़ा इज़ अ हॉरर शो जिसमें मैं फिज़ा आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, कुछ वाकियात, कुछ कहानियाँ आपकी समात की नज़र करती हूँ, कुछ हकाइक से आपको आगाह करती हूँ। और आज मेरा टॉपिक है जिसके बारे में मैंने पोस्ट की थी, कोहे चिल्तन, लूसी ग्रे, बुद्धिस्ट ग्रेवयार्ड, इस्लामाबाद। सो ये वाकया जो मैंने आपको कोहे चिल्तन के बारे में बताया हकीकत पे मुबनी है। द फूडी मदर, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। सो कोहे चिल्तन के बारे में अब मैं आपको बताती चलूँ कि बेसिकली जगह कहाँ है। कोहे चिल्तन बलूचिस्तान के इलाके में वाक़ है। ये एक बुलंदो बाला पर्वत है, पहाड़ है। जितने भी लोग बलूचिस्तान टूर की गर्ज से जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, कोहे चिल्तन के बारे में और इसके वाकयात के बारे में तो बखूबी सुनते हैं। वहाँ के मुकामी लोग भी इसके बारे में सबको वाकयात बताते हैं, लेकिन इसकी स्टोरी जब मैंने सर्च की तो बकायदा विकीपीडिया पे इसके अंदर होने वाला जो वाकया है वो पूरा लिखा हुआ है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ पे एक कहानी मशहूर है जो कि वहाँ के लोग कहते हैं कि हकीकत में मुबनी है। और वहाँ पे जो वाकयात होते हैं वो बेसिकली बच्चों के रिलेटेड ही होते हैं, वहाँ पे बच्चे नज़र आते हैं। सो कोहे चिल्तन के करीब आबाद एक खुशहाल कपल था, एक मैरिड कपल था जो कि काफ़ी अमीर ज़मींदार लोग थे। शादी के कई साल तक इनकी औलाद नहीं हुई थी, जिस वजह से काफ़ी अफसरदा रहते थे। कोहे चिल्तन के करीब वाकई एक दरगाह है। ये मैरिड कपल रोज़ वहाँ पे जाता था, दुआएं मांगता था, रोता था। एक दिन ये दुआ मांग रहे थे, रो रहे थे, तो एक बुज़ुर्ग इनके करीब आए। वो आगे कहने लगे कि बेटा परेशान मत हो, तुम्हारे मसले का हल है। वो कहने लगे, जी बताएं क्या हल है, हम हर तदबीर अपनाने को तैयार हैं, हम बस चाहते हैं कि खुदा हमें औलादे नरीना से नवाज दे। उस बुज़ुर्ग शख्स ने कहा कि आप लोग जो हैं
40 बकरों का सदका करें, इंशाल्लाह खुदा आपको औलाद से नवाज देगा। काफ़ी अमीर कपल था, ज़मींदार लोग थे, इन लोगों ने यही किया, 40 बकरे लिए, सदका दिया, गांव में हर गरीब को बंटवाया। और अल्लाह की देन कुछ ऐसी थी कि इसके बाद उन्हें एक दो नहीं बल्कि 40 बच्चे, 40 औलाद से नवाजा गया। शुरू शुरू में तो ये लोग बहुत खुशहाल रहते थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत खुश थे। जाहिर सी बात है मुराद पूरी हुई और वो भी 40 बच्चे, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, पैसे की कमी नहीं थी, बेच बेच की ज़मीनें, हर काम अपना उनका चल रहा था, वो अपने बच्चों को पाल रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब सब कुछ उनके पास ख़त्म हो गया। माँ बाप अपने बच्चों की भूख को देख के बर्दाश्त ना कर सके, अपने हिस्से का खाना उन्हें खिला दिया करते थे, अक्सर थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया करते थे अपने बच्चों में। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब कुछ भी नहीं रहा और ये मियाँ बीवी अपने 40 बच्चे लेके कोहे चिल्तन पे चलाए और दुखी दिल लेके उदास होके इन्होंने एक सुरंगनुमा जगह पे अपने 40 बच्चों को बिठाया और कहा कि हमारा इंतज़ार करना, हम वापस लौट के आएंगे खाना लेके। और इन्होंने कोहे चिल्तन से छलांग लगा दी। कोहे चिल्तन का मतलब है, को का मतलब कहते हैं पहाड़ और चिल्तन है 40 बॉडीज, 40 जिस्म। इन्होंने जब कोहे चिल्तन से छलांग लगा ली, वहाँ से सुसाइड कर ली, तो वो बच्चे जो कि बहुत छोटे थे, 1 साल से लेके 8 साल की उम्र के मासूम बच्चे, उनका न जाने क्या हुआ। कई लोग कहते हैं कि सारी रात पहाड़ों से रोने की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन कोई कोहे चिल्तन पे जाता नहीं था। वो बच्चे भूख प्यास से वही मर गए। कुछ बच्चों ने तो आपस में एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया, जो मर जाता था उसका गोश्त खाते थे क्योंकि भूख उनसे ये सब करवा रही थी। कुछ जो थे भूख की ताब ना लाके बहुत छोटे थे, मासूम थे, मर गए। कुछ चिल्लाते रहे, रोते रहे कई अरसे तक, कुछ को जानवर खा गए। तहम जब यहाँ पे सियाहों ने आना शुरू किया और मिलने वाले ढांचे मिले, तो पता चला कि यहाँ पे तो 40 बच्चों की लाशें हैं, इसलिए इसे कोहे चिल्तन का नाम दे दिया गया, यानी कि 40 बॉडीज, माउंटेन ऑफ 40 बॉडीज। और कहीं वहाँ की इलाके के रिहायशी लोग कहते हैं कि बकायदा वो रातों को उनको आवाज़ें आती हैं कि पहाड़ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, कभी रो रहे होते हैं, कभी भूख भूख कह के चिल्ला रहे होते हैं। तहम वो जगह मशहूर हो गई है एक हॉन्टेड प्लेस के नाम से, और वहाँ पे उनके वो 40 बच्चों की रूहें फिरती हैं। ये वही कोहे चिल्तन है जिस पे हमज़ा, खिरत और अदील अपने पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस के साथ गए थे, और उनके साथ जो वाक्य पेश आया था वो उन्होंने सबको बताया। सो मेरे लिसनर्स में वो तमाम लोग जो कोहे चिल्तन के बारे में जानते हों, कभी गए हों या बलूचिस्तान से उनका कोई ताल्लुक हो, उन्हें इसके बारे में पता हो, अगर वो लाइव पे ज्वाइन करके मुझे कोई वाक्य शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे लाइव रिक्वेस्ट सेंड कर दें, मैं आपकी लाइव रिक्वेस्ट उठा लूँगी। तब तक मैं कमेंट पढ़ लूँ, इसके बाद पानी पी के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ती हूँ। हमज़ा सरवर कहते हैं, ये तो मेरा अपना नाम है हमज़ा। हाँ जी, आप भी हमज़ा, लेकिन वो वाला हमज़ा तो नशा करता था, शीश पीता था। फैसल अहमद बलोच कहते हैं, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट है फेसबुक पे। ओके जी, थैंक यू सो मच बताने के लिए। यहाँ पे हमें फूडी मदर क्रेडिट, हमज़ा ने भी ज्वाइन कर लिया, मुइज़ ने भी, अरसलान कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा जी ओके आहिस्ता आहिस्ता। फहद फरीद भी आ चुके हैं, राफ़ी भी आ चुके हैं, और मुझे तो पता ही नहीं चलता जब मैं आप लोगों से बात करने लगती हूँ, कोई वाक्य शेयर करने लगती हूँ, मैं सोचती हूँ कि यार ये तमाम टाइम के अंदर ना ये पूरे आ जाएं, कहीं ये ना हो टाइम बच जाए और मेरी ना इंसिडेंट और हकाइक जो आपको बताने हैं वो रुक ख़त्म, वो जो है ना ख़त्म हो जाए और मैं सोचूँ क्या करूँ। बट वो तो कुछ हुए, अभी सिर्फ मैंने कोहे चिल्तन का जिक्र निकाला है और यहाँ पर हमारे 25 मिनट भी हो गए, सो मैं जल्दी से आगे की तरफ बढ़ती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
फूडी मदर कहती हैं किस जगह बलूचिस्तान में जी, कोयटा के पास है। हो सकता है मैं दिसंबर में बलूचिस्तान का एक चक्कर लगाऊं, टूर पे जाऊं, तो मैं लाजमी वहाँ से गुजरूंगी तो कुछ पिक्चर्स आपके साथ भी शेयर करूंगी। इट्स मी शियान अली कहते हैं किसी दिन रैंडम स्टोरी जब होगी तो शेयर करूंगा। जी जी बिल्कुल, जब आपका दिल करे आप जो चाहें यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, कोई वाकया जो आप लोगों के साथ पेश आया हो, आपने सुना हो, एक्सपीरियंस किया हो, तो मुझे लाइव पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। सो जी आप सब लोग जो सुन रहे हैं, आप लोगों से सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी फेसबुक और इंस्टा वालों से कि आप जो है ना इस लाइव को शेयर कर दें अपनी टाइमलाइन पे अपने फ्रेंड्स को। यहाँ पे देखो कमेंट सेक्शन के बराबर में एक शेयर बटन होगा, वहाँ से आपने इसको शेयर कर देनी ताकि मजीद लोग हमारे साथ जुड़ सके और मैं लूसी ग्रे के टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, विच इज़ माई नेक्स्ट टॉपिक द सेकेंड वन, लूसी ग्रे। सो इसकी तरफ मैं बढ़ती हूँ। आप लोगों से तब तक मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, फेवर कर दो कि इसको शेयर करो ताकि मजीद लोग हमें ज्वाइन कर सकें। जी अयान अहमद, जिन्नात जिन्नात जिन भूतों की बातें, हॉरर नाइट विद फिजा। सो यहाँ मेरे जितने भी लिसनर हैं, आप लोगों ने जब इंटर किया होगा तो फर्स्ट ईयर में हमारी इंग्लिश की बुक में एक पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिसका नाम है लूसी ग्रे, जो ऑफ कोर्स हम सब ने पढ़ी है इंटर अपना पास करने के लिए। हम सब इसको सिर्फ एक लेसन की तरह पढ़ते रहे, लूसी ग्रे। लेकिन वो तमाम बच्चे जो अभी मुझे सुन रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, लाइक वसीका आप मुझे सुन रहे हो, और जितने भी स्टूडेंट्स जो इंटर के हैं उन्होंने लूसी ग्रे अभी अभी पढ़ी होगी तो उनके तो माइंड में फ़ौरन आ जाएगी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम लूसी ग्रे जो है एक हकीकी वाक्ये पे मबनी है। ये वाक्य हकीकत में हुआ था लूसी ग्रे का, जिसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। सो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया है अपने नॉवेल, एक नॉवेल है, बैलेड है, जिसके अंदर लूसी ग्रे पोयम थी, और उसके स्टार्ट में उन्होंने बताया था ओरिजिन में कि इसमें लूसी की जो स्टोरी है उनकी बहन ने उनको बताई थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की बहन ने। ये पोयम 1799 में लिखी थी, लेकिन ये पब्लिश 1800 में हुई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो बहन थी ये हैलीफॉक्स यॉर्कशायर में रहती थी, मूर्स के पास ये जगह है। सो वहाँ पे एक वाक्या पेश आया था, उससे जुड़ी कुछ यादें उन्होंने पोयम के ज़रिए हमें बताई, जिसमें बताया गया कि एक दिन मासूम इनोसेंट लूसी ग्रे की मम्मा जो हैं विलेज से बाहर टाउन की तरफ गईं। लूसी और लूसी के फादर घर पे थे। उस दिन पेशन गोई थी कि स्नो स्टॉर्म आएगा, यानी कि बर्फानी तूफान आने वाला था शाम के वक्त, और लूसी ग्रे की माँ को आने में देर हो रही थी। चनाचा लूसी ग्रे के पापा परेशान हुए और उन्होंने लूसी को कहा कि तुम लैंटर्न लो और जंगल की तरफ जाओ, ताकि जब तुम्हारी मम्मा आए तो उन्हें लैंटर्न नज़र आ जाए, वो स्नो स्ट्रॉम में भी फंसी हो तो वो दूर से रोशनी को देख के घर की तरफ आ सकें, डायरेक्शन ना भूलें। लूसी ने कहा कि अभी तो बहुत टाइम है, स्नो स्ट्रॉम का टाइम तो शाम का बताया गया है, अभी तो सिर्फ आफ्टरनून हुआ है। जिस पर लूसी ग्रे के डैडी ने कहा कि मौसम को देख के मुझे लगता है कि तूफान अपने एक्सपेक्टेड टाइम से पहले आ जाएगा। उन्होंने लूसी को लैंटर्न देके मूर्स पे भेज दिया। मूर्स एक जंगल है जो कि हैलीफॉक्स यॉर्कशायर में मौजूद है अभी भी। लूसी छोटी सी बच्ची अपनी लैंटर्न देके जंगल की तरफ चली गई, और वो ही हुआ कि तूफान अपने एक्सपेक्टेड टाइम से भी बहुत पहले आ गया। लूसी अपनी माँ की तलाश में जो गई वो तो कभी ना लौट सकी, लेकिन लूसी की माँ क्योंकि मौसम ख़राब था थोड़ा ठहर के काफ़ी टाइम बाद घर वापस लौटी, और जब वो घर में आई तो लूसी का बाप परेशान था। उसने कहा कि लूसी तो तुम्हें लेने गई थी, वो साथ नहीं है क्या तुम्हारे? उसने कहा नहीं, मुझे तो लूसी नहीं मिली।
लूसी ग्रे के पेरेंट्स बहुत परेशान हुए, रोते बिलकते आहू बुका करते हुए जंगल की तरफ दौड़े। स्नो स्टॉर्म हर तरफ अपनी बर्फ़ को बिखेर चुका था, बहुत मुश्किल था लूसी को ढूंढना, लेकिन माँ बाप मोहब्बत में अंधे अपनी बेटी की तलाश करते रहे। वो जंगल में दूर ब्रिज की तरफ निकल गए तो वहाँ लूसी की माँ ने पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखा कि उसे लूसी के पाँव के छोटे छोटे नन्हे कदमों के निशान नजर आए। बर्फ़ में छोटे छोटे से बूट्स के फुट स्टेप थे। वो उनका पीछा करती करती ब्रिज से होती हुई एक जगह पहुंची जहाँ पे कभी दरिया बहा करता था, लेकिन वो फ्रोजन था, जम चुका था। वहाँ एक प्लैंक के पास आके लूसी के पाँव के निशान गायब हो गए और लूसी की डेड बॉडी तक मिली। कुछ लोगों ने ये सोचा कि जहाँ पे रिवर्स बने हुए होते हैं, बेसिकली पॉन्ड्स बने हुए होते हैं, वहाँ पे बर्फ़ की कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कच्ची होती हैं, तो जब आप उस पर पाँव रखते हैं तो आप बर्फ़ के नीचे पानी में चले जाते हैं, और अगर आप अपनी जगह से इधर उधर हो जाएं तो आप ऊपर कभी भी नहीं आ पाते। ऑफकोर्स बिकॉज हम तो पाकिस्तान में हमने ऐसा मोस्टली देखा नहीं, बट ऐसा होता है स्पेशली नॉर्थ साइड पे, कि वो फिर बर्फ़ की एक मोटी तह के नीचे होते हैं, उनके सांस घुट जाते हैं, वो ऊपर नहीं आ पाते जब तक बर्फ़ को तोड़ के निकाला ना जाए। हमने मूवीज़ में ये सब बेसिकली देखा होगा। सो यही माना गया कि लूसी भी इसी तरह पानी में डूब के चली गई इस दुनिया को छोड़ के। बट यहाँ विलियम वॉर्ड्सवर्थ अपनी पोएम के लास्ट स्टैंजा में बताते हैं कि आज भी मूड्स पे गुजरने वाले लोगों को एक छोटी सी बच्ची नज़र आती है जिसके हाथ में लैंटर्न होती है और वो एक सॉलिडेट्री सॉन्ग गा रही होती है, यानी कि एक उदास मायूसी का गाना गा रही होती है। वो कभी भी मुड़ के नहीं देखती और उसकी हल्की हल्की नन्ही आवाज़ें हवा में चारों तरफ पहाड़ों से टकरा रही होती हैं, और लूसी की रूह को आज भी देखा जाता है। विलियम वॉर्ड्सवर्थ ने अपने इस लास्ट स्टैंजा में पूरा उस सिनेरियो को बताया जो कि हमने ऑफ कोर्स पढ़ा है। सो लूसी ग्रे का ये वाक्या एक हकीकत है जो कि हैलीफॉक्स यॉर्कशायर में मूड्स पे पेश आया। एंड आई नो मेरी तरह जब आप भी इंटर में होंगे या अब इंटर में हैं तो इस पोएम को आपने भी बड़े डीपली पढ़ा होगा, बिकॉज मेरा तो पूरा इंटरेस्ट इस पर चला गया था जब मेरी टीचर ने इसके बारे में बताया था। उस टाइम मैं सोचती थी अल्लाह लूसी का वाकया हकीकत है या नहीं, बट ऑफकोर्स उस टाइम रिसर्च ही नहीं की, इतना दिमाग ही नहीं चलाया, और आज पढ़ा तो बड़ी हैरत हुई कि ये तो बिल्कुल हकीकत पे वाकया है। और विलियम वॉर्ड्सवर्थ को उनकी बहन ने बताई ये स्टोरी, जो कि उन्होंने अपने पूरे बैलेड में पोएम की तरह से लिखी। सो मैं तो शुरू से ही हॉरर फ्रीक हूँ, मुझे हॉरर पसंद है, मुझे अट्रैक्ट करता है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि फिज़ा अपनी फैंटेसी से निकलो, ये फैंटेसी की दुनिया से निकलो। हफ्ते का एक दिन मेरा शो होता है, उसमें मुझे काफ़ी लोग डिमोटिवेट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जो मेरा शौक है, जो मुझे पसंद है, उसके बारे में मैं बात करूँगी। हो सकता है वो लोग मुझे नहीं समझ सकते जो मुझे डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन हो सकता है वो लोग लाजमी समझे जिनका दिमाग मेरी तरह ही हो, जिनके सोचने की सलाहियत, चीज़ों को देखने का स्कोप मेरे जैसा हो, जिनका इंटरेस्ट लेवल मेरी तरह हो। सो यहाँ आके आप लोगों से बात करके मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग लिसनर नहीं हो, आप लोग मेरे दोस्त हो। मैं अपने सबसे फेवरेट टॉपिक पे आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ जब मुझे सुन रहे हो तो आप लोग, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है क्योंकि आप लोग मुझे अपना वक्त दे रहे होते हो। इस वक्त रात के इस पहर किसी को अपना टाइम देना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पता है टाइम होती है। पैसा तो चलो किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर दो दोबारा आ जाता है, बट आप जब किसी पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो टाइम कभी लौट के नहीं आता। आप लोग मुझे अपनी सबसे कीमती चीज़ देते हो, आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। आपकी समातों की मैं शुक्रगुजार हूँ जो रात के वक्त मुझे सुनती हैं। आपकी हसीन समातें जो मुझे और बोलने का हौसला देती हैं।
शिवन सरवर कह रहे हैं कि लूसी ग्रे कराची बोर्ड के फर्स्ट ईयर की है। जी हाँ जी, कराची बोर्ड के फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक में लूसी ग्रे की पोयम है। लेकिन ये नहीं कि आप सिर्फ कराची बोर्ड से पढ़ो तो आप लूसी ग्रे को पढ़ोगे। अगर कोई बंदा वैसे लिटरेचर का फ़ैन हो तो वो तो पोएम्स पढ़ता ही रहता है। मेरी मम्मा बहुत बुक्स पढ़ती हैं, तो उनके पास विलियम वॉर्ड्सवर्थ की बुक है जिसमें लूसी ग्रे की भी पोयम है, तो मैंने पहले भी पढ़ी थी एक बार। कराची बोर्ड में ना भी हो तो लूसी ग्रे को तो पढ़ ही सकते हो। विलियम वॉर्ड्सवर्थ बहुत अच्छी इनकी कला, विलियम वॉर्ड्सवर्थ वैसे लिखते हैं सुपर नेचुरल पर ही है। इनकी काफ़ी पोएम्स हैं जो कि इसी तरह की फैंटेसीज पर, इसी तरह की बातों के ऊपर हैं, जिसका वो बाकायदा रेफरेंस देते हैं कि वाकई इस जगह मेरी बहन ने मुझे इसके बारे में बताया। सो यहाँ पर शान तारिक ने ज्वाइन कर लिया। हेलो शान, कैसी हैं? वासे से यू वेलकम। फरहाद, जी हाँ जो बात है, फूडी मदर तो बहुत, मुझे तो नाम ही पढ़ के बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं बड़ी फूडी हूँ तो फूडी मदर पढ़ती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। अंदाजे भी यहाँ भी एक चीज़ होता है जैसे स्टोरीज को अट्रैक्शन देता है। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे हमारा जो लास्ट टॉपिक है, बुद्धिस्ट ग्रेवयार्ड इस्लामाबाद। इसके बारे में कुछ जिक्र करते हैं, बट लेट्स सी, अगर आप लोगों को लाइफ पे ज्वाइन करना है, कोई वाकया जो आप लोगों के साथ पेश आया हो, एक्सपीरियंस किया हो आप लोगों ने, अगर आप यहाँ पे सुनाना चाहते हो तो फील फ्री ज्वाइन करो। कोई नहीं, अपना ही शो है, अपनी होस्ट है, बता दो। यहाँ कोई मजाक नहीं उड़ाता, यहाँ के लोगों की अच्छी बात ही यही है कि बात को समझते हैं। फैसल अहमद बलोच कहते हैं, मैम मैं आपकी लाइफ आपकी लाइफ में कुछ कहने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैम आपके बारे में तो कोई और क्यों फैसला करे? आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें, डिमोटिवेट जो करें बिल्कुल भी ना सुने, इग्नोर करें ऐसे इंसानों को। हाँ जी बिल्कुल सही कहते हैं आप। या शान अली यू कैन शान कहती हैं फिजा रोड पब्लिक शॉक। अच्छा यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता दूँ कि ना, मेरा ये शो है जो कि इस टाइम में लाइव कर रही होती हूँ, बट काफ़ी लोग हैं मेरे, काफ़ी ऐसे लिसनर हैं जो कि इसको बाद में सुनते हैं, इस टाइम वो जाग नहीं रहे होते हैं, कोई उनकी मसरूफियत होती है काम की वजह से, तो बाद में इसको मैं अपलोड कर लेती हूँ यूट्यूब पे। मेरा यूट्यूब चैनल जिसका लिंक बायो में मौजूद होगा, विच इज़ हॉरर नाइट विद फिज़ा द सेम नेम, आप इसको सर्च भी कर सकते हो। तो उस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वहाँ पर जब भी मेरी वीडियो आया करो, उसे लाइक किया करो, शेयर किया करो फ्रेंड्स एंड फैमिली को। और अगर आप गेमर हो, आपको गेमिंग का शौक है, तो मेरी एक साइड है जो गेमिंग वाली भी है। मैं सिर्फ सीरियस भूतों की बातें नहीं करती, मैं बड़ी जोली गेमर भी हूँ। सो मेरा गेमिंग चैनल भी है फिजा दी गेमर गर्ल, उसके लिंक भी आपको बायो में मिल जाएंगे, आप उसको भी सब्सक्राइब करना अगर मुझे सपोर्ट करना हो तो। यहाँ पे शयान अली की ज्वाइन रिक्वेस्ट आ गई है, लेट्स सी व्हाट ही सेज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। शयान आप अपने बारे में सबको बताएंगे? जी एक्चुअली मैं कराची से हूँ। okay. और मैं एनिमेटर हूँ एक, तो अच्छा मैं अपनी स्टोरी शेयर ये करना चाहता हूँ कि जब हम लोग लाहौर में थे, क्योंकि बेसिकली मैं लाहौर से हूँ बट अब कराची शिफ्ट हूँ मैं, काफ़ी 1999 में हम लोग यहाँ पे आ गए। तो एक्चुअली मैं जहाँ पे हम रहते थे, मेरी थ्री सिस्टर, मामा, पापा और मैं, तो तब मैं आई थिंक 3 ईयर्स का हूँगा, तो हम लोग जहाँ रहते थे लाहौर में जिस साइड पे, तो वो जो घर बना हुआ था वो था कब्रिस्तान पे। अच्छा। तो वहाँ पे सीन इस तरह से होते थे कि जैसे रात होती थी, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक रूम था, प्रेयर रूम था ना, वहाँ पे नमाज पढ़ते थे, वहाँ पे कुरान शरीफ रखा होता था, सारी आयतें वगैरह वहाँ लगी हुई थी। तो रात में वहाँ से आधे ड्रिंक की स्मेल आती थी, ड्रिंकिंग की स्मेल आती थी वहाँ से। और एक दिन इस तरह से हुआ कि वहाँ पे जितने भी कुरान शरीफ थे और जो आयतें थी वो सब सबकी सब जल गई। अच्छा। अपने आप रात में। जी। तो और फिर उसके बाद मम्मा को, मम्मा उस वक्त तिलावत काफ़ी करती थी उस टाइम,
और मामा का जिम भी था उस तरफ ना, उसी घर के अंदर ही जिम भी था क्योंकि वो लेडीज जिम भी था। तो ये होता था कि रात में मशीनें अपने आप चलने लग जाती थी। अच्छा। और क्या कहते हैं उसको, अपने आप टैप खुल जाते थे, पानी पानी और बाहर कुत्ते भौंकने शुरू हो जाते थे। तो और नॉक होते थे, बकायदा नॉक होता था दरवाजा, तो पापा बार बार जाके देखते थे बाहर, तो बाहर कोई भी नहीं होता था। अच्छा। तो फिर रात में सिर्फ हमारे घर में आवाज आती थी, तो हमारे ऊपर भी जो रहते थे हमारे कजन ही थे, तो वो जब नीचे देखते थे तो कोई भी नहीं होता था, सिर्फ कुत्ते भौंक रहे होते थे। तो फिर एक दिन इस तरह से हुआ कि मामा कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी। हमारा रूम ऐसा था कि एक दो रूम थे, उसको बीच में से दीवार हटाई हुई थी, तो सामने ही शीशा लगा हुआ था ना, तो मामा वहाँ उसके सामने बैठ के कुरान शरीफ पढ़ रही थी। तो उनको फील हुआ, उनको पूरे शीशे में, जैसे आपने देखा होगा शैतान की जिस तरह से शक्ल वो पूरी दिखाते हैं, जी जी, के तो उस होते हैं उसके, पूरी मामा ने स्केच किए उसी शीशे पे, और उनको शीशे में 2 से 3 शैतान दिखे, और वो पूरा मामा ने स्केच किया वो शीशे के ऊपर। और जब मामा ने साथ साथ तिलावत करते नहीं करते रहे, और जब उन्होंने छोड़ा तो उनकी नेक के नीचे पूरे निशान थे नाखूनों के। अच्छा। और जी, तो फिर उसके बाद हमने काफी, मतलब जो पापा के जानने वाले थे, जो मौलाना साहब थे, वो घर आए तो उनको बताई सारी सिचुएशन। तो उन्होंने कहा देखें आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा, ये लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये एक नहीं है, पता नहीं कितनी 50-60 की तादाद में है, क्योंकि ये कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ घर। तो ऐसा था कि बस कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो सब हमारा अपना घर था, और फिर ये हुआ और वो कोई ले भी नहीं रहा था, बेच भी नहीं रहा था, तो हमने कुछ करके हम लोग फिर वहां से निकले। लेकिन वो आज तक वो जगह ऐसी है कि वो आबाद नहीं था उस जगह का, मैं नाम आपको बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, बट वो जगह आज भी वैसी है, क्योंकि वहां से आज तक मैं, मतलब जो मेरे कजन वहां रहते हैं, वो आज भी वो बोलते हैं उस तरफ से अगर गुजरते हैं तो वहां से खौफ आता है अच्छा खासा एक तरह से ना, तो वो कहते हैं वहां से अजीब सी स्मेल आती है, और वहां अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही सही से। हाँ, होती है, ऐसी काफी जगह भारी भारी होती है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद काफी सीन, ये जब हम लोग यहाँ कराची आए, तो कराची में जब फर्स्ट टाइम बिल्कुल हम लोग वहाँ से छोड़ के दबाए थे, फिर उसके बाद यहाँ पे भी बहुत सारे सीन हुए थे। स्टेशन के पास हम लोग आके रहते थे, मतलब बिल्कुल न्यू आए थे यहाँ पे, कोई जानने वाला नहीं था यहाँ पे, तो स्टेशन के पास हमें जो घर मिला वो भी हॉन्टेड था, वहाँ भी रात में मतलब कोई दिखता था, चलते हुए दिखता था। ये स्टेशन के पास ना ये बड़ी हॉन्टेड जगह है, वहाँ पे मैं भी बड़ा गई हूँ तो डर जाती हूँ, वो तकरीबन सारे एरिया ही हॉन्टेड लगता है। पटरियों के बारे में ना मैं एक शो करूँगी जिसमें बताऊंगी कि ना ये हमें जो रेलवे स्टेशन और जो फाटक में जिनात मिलते हैं ना, इसकी रीज़न क्या होती है, मैं एक अपने नेक्स्ट शो में ज़रूर बताऊंगी इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब सिनेरियो थे जो हमारे साथ बहुत बुरे हुए, बस अल्लाह ने बचा लिया वहाँ से। सही सही। और बाकी ये स्टोरीज थी बाकी। थैंक यू सो मच शान अली, आपने ज्वाइन किया और अपने साथ होने वाला वाक्य शेयर किया। So, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। सो ये शयान अली हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ होने वाला वाकया बताया। सो मैं क्या नेक्स्ट शो का आपको वेट कराऊं, मैं आपको अभी से ही इस बारे में बता देती हूँ कि हमें जो है पटरियों पर ये वाकयात बहुत सुनने को आते हैं। अभी नहीं, चलिए हमारा म्यूज़िक डिपार्टमेंट कहता है अभी नहीं, बिकॉज इसके बारे में कुछ वाकयात भी हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा ये टॉपिक, नेक्स्ट हम वीकेंड पे रख लेते हैं, जिसमें मैं आपको एक मेरे चाचू ने उनके साथ जो लाइव वाकया पेश आया था, बिकॉज वो रेलवे पुलिस में है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट हफ्ते बताऊँगी, वरना अभी टेम्पो ख़राब हो जाएगा और म्यूज़िक डिपार्टमेंट भी पीछे से कहता है कि नहीं नहीं यहाँ पर सारे मेरी जो टेक्निकल टीम बैठी हुई ना, वो कहती नहीं नहीं नेक्स्ट पे बताना। सो मैं इधर अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूं, बिकॉज टाइम भी हमारे पास कम है। और कमेंट सेक्शन में हमारे प्यारे प्यारे लिसनर इतनी प्यारी बातें कर रहे हैं कि सीरियसली कभी कभार ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना अपने आप को, क्योंकि मैं हॉरर शो कर रही हूँ, मैं सोचती हूँ मुझे आप लोगों से ना बहुत ज़्यादा, आप लोगों से कहीं ज़्यादा हंसी आती होगी कुछ बातों पर, बट मैं बड़ा कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि नहीं हॉरर शो है, फिज़ा बी सीरियस, बी क्वाइट और चुप करके सुनो। बड़े जो कमेंट आ रहे होते हैं ना मैं इग्नोर कर रही होती हूँ, तो लेकिन मैं रीड कर जाती हूँ।
वासी से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन ये बात नहीं, कोई और रीज़न है। और शानापी आप भी इनके साथ मिल गई हो, आप भी सही जा रही हो। चलो जी, यहाँ पे हमारा जो लास्ट टॉपिक है पानी पी के, इसके बारे में बात करते हैं। द बुद्धिस्ट ग्रेवयार्ड इस्लामाबाद, बेसिकली वो तमाम लोग जो मुझे इस्लामाबाद से सुन रहे हैं, सबसे पहले तो ये बता दें कि वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है क्या, बिकॉज नीचे कमेंट आ रहे हैं शान के और फूडी मदर के भी कि नो वॉइस। अक्सर ऐसा हो जाता है कि ना लाइव में किसी को लेती हूँ तो मेरा अपना माइक ग्लिच हो जाता है। नेक्स्ट लाइव पर आप लोग काम करो, आ जाओ दूसरी वाली पर, मैं ये लास्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करती हूँ ताकि आप लोगों का आवाज़ ठीक आ सके। फेसबुक पे मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है? तो यहाँ फेसबुक में मुझे बता देना आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं। क्रिस्टल क्लियर, ओके थैंक यू सो मच। फेसबुक पे जी मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही थी। नहीं नोमिशा, आप सबसे पहले नहीं आए, आप सेकंड लाइव पे आए हैं। पहली लाइव हमारी ख़त्म हो चुकी है, आखिरी के 15 मिनट बचे हैं। सो वेलकम बैक, सबके वापस आने का बहुत शुक्रिया। बेसिकली पिछली लाइव में हुआ ये था, अक्सर हो जाता ही है कि जब मैं किसी और को अपने साथ लाइव लेती हूँ तो मेरा माइक ग्लिच हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आवाज़ में डिस्टॉर्शन आती है। तो जी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ बुद्धिस्ट ग्रेवयार्ड इस्लामाबाद के बारे में। जो लोग इस्लामाबाद से हैं, इस्लामाबाद में कभी रहे हैं, उन्हें इसके बारे में पता होगा। इसके बारे में बता दूँ कि ये एक एंशियंट कदीम कब्रिस्तान है जो कि बुद्धिस्ट यानी कि बुद्ध मत मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का है, और ये तकरीबन पाकिस्तान के बनने से भी काफ़ी पुराना है। सो यहाँ भी सिलसिला ये है कि इस्लामाबाद सेक्टर F7 में वाकई ये कब्रिस्तान अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और सुपरनैचुरल फिनोमेना की वजह से काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत रखता है। यहाँ पे रहने वाले लोग जो इस इलाके के करीब रहते हैं, सेक्टर F6 और F8 के लोग, वो बताते हैं कि जब उनका यहाँ से गुज़र होता है तो वो हमेशा कोई ना कोई अजीबोगरीब आवाज़ें सुनते हैं। कभी औरतें चिल्ला रही होती हैं, कभी बच्चे रो रहे होते हैं, जबकि वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। वो एक खंडर बियाबान जगह है, लेकिन वहाँ पर हल्की सी सरगोशी भी बहुत तेज़ सुनाई देती है और हमें बाकायदा आवाज़ें सुनाई देती हैं। और जब हम यहाँ से गुज़रते हैं तो डर के मारे आयतल कुर्सियाँ पड़ते हुए खौफ से चीखते चिल्लाते चले जाते हैं। इस एरिया के जो गार्ड हैं, उन्होंने भी यहाँ की सुपर नेचुरल एंटिटीज़ के बारे में ज़िक्र किया है। इसके अलावा अगर आप नेट पर सर्च कर लें तो बेतहाशा आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको बुद्धिस्ट ग्रेवयार्ड इस्लामाबाद के बारे में। इस्लामाबाद की टॉप 100 प्लेसेस की लिस्ट में ये आता है। इस्लामाबाद बेशक हमारा कैपिटल है और बड़ा ही हसीन है, बट इस्लामाबाद में ना ग्रीनी है इस वजह से भी, या फिर कहते हैं ना जहाँ ग्रीनी होती है वहाँ मोस्टली ऐसी चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, इस वजह से भी और अपने हुसन की वजह से भी कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ों का मस्कन माना जाता है। कुछ लोगों की रूटीन भी वहाँ पे ऐसी है, रात का बड़ा एहतराम करते हैं, कराची की तरह नहीं है। यहाँ रात भी दिन लगती है और दिन रात लगती है, बट वो लोग रात का बड़ा एहतराम करते हैं, जल्दी सो जाते हैं, अक्सर जल्दी हर चीज़ बंद हो जाती है। ऐसा ही कुछ सिनेरियो है इस्लामाबाद के इस बुद्धिस्ट ग्रेवयार्ड के बारे में, जिसे कहा जाता है कि यहाँ पे खंडर बियाबान है, पाकिस्तान के बनने से भी कई साल पुराना है, किसी यूज़ में नहीं है, सिर्फ एक हॉन्टेड प्लेस के नाम से मशहूर है।
2002 तक यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आते थे, बट यहाँ पे होने वाले सुपर नेचुरल वाकियात की वजह से, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से टूरिस्ट का आना भी बंद हो गया। ठीक है, एक दो दफ़ा कुछ टूरिस्ट ज़ख्मी हुए, वो बताते हैं कि हमने लाल पोशाकों में गुजरते हुए यहाँ पे लोग देखे। इसके अलावा जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो नहायत आपको हैरत में डाल देगी। फ्री मसेंडी यानी कि लूमिनाती ग्रुप्स के बारे में तो आप जानते होंगे। सो यहाँ पे जो गार्ड्स हैं उन्होंने कई बार बताया कि यहाँ पे चंद एक कुछ नौजवान जो कि दिखने में तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लगते हैं, ऐसे कुछ चंद एक नौजवान यहाँ पे आ जाते हैं अक्सर और ज़मीन पे कोयले से अजीब व गरीब निशानात बनाते हैं, कुछ सितारे से बनाते हैं और कुछ अजीब व गरीब से गाउन पहन लेते हैं और वो यहाँ पे बैठ के मोमबत्तियाँ जला के पता नहीं काला जादू करते हैं, क्या करते हैं, जिसके बारे में सर अहमद शाह नियाज़ी का एक पूरा आर्टिकल भी है, जो ऑफ कोर्स गार्ड तो नहीं समझ सकते कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर उन्होंने बताया है कि यहाँ पे बकायदा एक मीटिंग होती है इल्यूमिनाटी इसकी, फ्री मसनरी वाले यहाँ पे आके वर्शिप करते हैं इस जगह पे। सो ये जगह इस वजह से कर्ज है, यही जगह इस वजह से इतनी जो है सुपर नेचुरल फिनोमेना के शिकार है। सो ये तमाम वाकयात तो इसके बारे में मशहूर हैं, पर मुझे इस जगह के बारे में मेरी एक लिसनर ने एक स्टोरी बताई जो उन्होंने उनके साथ उनकी एक जानने वाली के साथ उनकी कज़न सिस्टर के साथ पेश आई थी, उसको मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सो वो कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, ये आज से चंद साल पुरानी बात है, मेरी कज़न सिस्टर जिनका नाम अस्मा है, वो मेरी खालाजाद बहन है, वो अपने शौहर के साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई, उनके दो बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 है और 13 है, मतलब 12-13 साल के उनके दो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, वो बच्चे काफ़ी शरारती हैं। उनकी शिफ्टिंग हुई थी इस्लामाबाद सेक्टर F6 के इलाके में। शुरू शुरू में जो बच्चे थे वो मोहल्ला नया था, इस वजह से घर में जो है ना काफ़ी बोर होते थे, उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं था, कोई दोस्त साथी नहीं, लिहाजा उस दिन शाम में असद और इमरान जो कि उनके दोनों बेटे हैं वो ज़िद करने लगे कि मामा हमें कहीं बाहर लेके जाएं। अस्मा बाजी ने अपने बच्चों की ज़िद पूरी की और वो भी इस बात को समझी कि हाँ छोटे बच्चे हैं इनको थोड़ी एंटरटेनमेंट चाहिए, मैं इन्हें वॉक पर ले जाती हूँ। बच्चों को लेके वो टहलने निकल गई, सर्दियों के दिन थे, कुछ ही देर में अंधेरा सा छाने लगा और ऊपर से इस्लामाबाद है तो अंधेरा तो जल्दी ही छाता है। इतनी देर में इमरान कहने लगा, मामा मुझे तो बाथरूम जाना है। बाजी ये सुन के थोड़ा सा गुस्सा हुई और कहती, बेटा घर से निकलने से पहले आपको फ्री होके आना चाहिए था, फ्रेश होके आना चाहिए था। कुछ ही देर में बच्चा था, छोटा था, बेहाल होने लगा, कहता मामा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो अस्मा बाजी ने उसे साइड पे बिठा दिया और साथ उसे डांटने भी लगी कि कोई तरीका नहीं है कि तुम बाहर कहीं भी बैठ के इस तरह से सुसु करो, ये बहुत गलत बात है, ये मैनर्स नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम ख्याल रखना वरना मैं तुम्हें आइंदा कभी भी इस तरह बाहर नहीं लाऊंगी। इतने में वो खड़ी हुई थी, मगरिब की अजान भी होने लगी, उनके दूसरे बेटे ने इशारे से पूछा जिसका नाम असद था, वो पूछने लगा मामा ये क्या है। जब सामने नज़र पड़ी बाजी ने देखा तो उन्होंने देखा कि चंद कदम के फासले पर ही एक साथ तीन पुरानी खस्ता हाल कब्रें बनी हुई हैं। बाजी ने उससे चंद कदम के फासले पर ही खड़ी हुई थी और ये देखकर तो उनके चेहरे का रंग ही पीला पड़ गया। ठीक अजान का वक्त था और वो लोग कब्र के पास खड़े हुए थे, ऊपर से बच्चे को हाजत आ गई, वो जल्दी से आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ने लगी और फौरन बच्चों को लेकर घर की तरफ चल पड़ी। इमरान ने ज़रा घबराते हुए बाजी से कहा, अम्मी मुझे बार बार ऐसा लग रहा है
कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। बाजी ने उसे डांटा और कहा कि फजूल बातें मत करो, सूरह नास पढ़ो। इसके अलावा वो क्या बोल सकती थी, और क्योंकि वो खुद अपने आप खौफ को महसूस कर रही थी तो वो बच्चों को अगर कुछ और कहती तो बच्चे भी मज़ीद खौफजदा हो जाते। घर के दरवाजे पर पहुंच के जल्दी जल्दी ताला खोलने लगी तो ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने सरगोशी की उनके कान में और दो बार उनका नाम पुकारा, अस्मा अस्मा। अस्मा बाजी ने मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। बहरहाल वो घर आई, इमरान को नहाने के लिए भेजा और ख़ुद नमाज मगरिब अदा करके अपने उनके शोहर आए तो उनको बताने लगी कि आज इस तरह से इसने हरकत की है। बाजी ने सारा किस्सा अपने हस्बैंड को सुनाया। भाई साहब ये सब सुन के हंसने लगे। वो पढ़े लिखे और खुले दिमाग के आदमी थे, इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, लिहाजा कहने लगे, अरे तुम वहम में मत पड़ो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम ही जब छोटे थे तो ऐसे अक्सर हमारे साथ भी हो जाया करता था, छोटे बच्चों में ऐसा हो जाता है। और जहाँ तुम बात कर रही हो कब्रों की, तो उनसे भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी सब लोग सो ही तो रहे हैं, वो किसी का क्या बिगाड़ेंगे। आप बस उनको कब्रों को देख के खौफजदा हो गई हो, बाकी सब कुछ ठीक है। और हर कब्रिस्तान में ना भूत नहीं होते, तो इस तरह की बातें मत सोचो। बाजी अपने हस्बैंड की बात सुनकर थोड़े इत्मीनान में तो आ गई। इतने में कमरे में इमरान आया और वो कहने लगा, अम्मी मैंने दूध की पतीली छत पे रख दी है, अब मैं सो जाऊं? भाई साहब तो इस वक्त हैरत से देखने लगे बाजी का। और बाजी कहती है, क्या मतलब, मैंने तुम्हें कब कहा कि पतीली को छत पे रख कर आओ? इमरान कहने लगा, मम्मा अभी आप मेरे रूम में आई और आपने कहा कि दूध की पतीली को छत पे रख दो। इमरान भी हैरानी से अपनी माँ की तरफ देख रहा था। इतने में अस्मा ने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप मेरे साथ ज़रा छत पे चलो देखने कि कौन है वहाँ पे। बाजी अपने शोहर के साथ छत पे गई देखने, और वहाँ जैसे ही वो जाती जा रही थी उन्हें निहायत ही यूरिन की स्मेल ऐसा लग रहा था कि उनकी छत पे आ रही है, जिस पर उनके हस्बैंड ने कहा कि अस्मा छत की सफाई किया करो, यहाँ पे बिल्लियाँ आके स्मेल कर रही हैं। मैं स्टोरी को थोड़ा सा काटती हूँ, वैसे से कोई गलत बात मत करना वरना मुझे बैन करना पड़ जाएगा, अगर मुझे मेरे किसी भी मॉडरेटर ने आपकी शिकायत की ना कि आप कोई अखलाक से गिरी बात कर रहे हो, तो यहाँ बैन वाले भी उस सिचुएशन पे नहीं जाना, बाकी आप अपनी ओपिनियन दो। ये आप लोगों के ना ऐसे कमेंट्स मेरी एडिटिंग का काम बढ़ा देते हैं। सो हुआ कुछ यूं ही, अस्मा ने कहा, लेकिन मेरी बात सुने, यहाँ पे तो कोई बिल्ली आती ही नहीं है हमारी छत पे। बहरहाल जब उन्होंने पतीला देखा तो वहाँ पे बिल्कुल खाली था। वो वहाँ से गए अपने रूम में, रात का वक्त था, जाके सो गए। रात को इमरान रोता हुआ अस्मा बाजी के पास आया, वो बुरी तरह से कांप रहा था, सर से पैर तक भीगा हुआ था और रो रो के कह रहा था, अम्मी उसने मेरे ऊपर पानी डाल दिया। बाजी ने भाई को फौरन जगा दिया। इमरान के पास से शदीद स्मेल आ रही थी। भाई साहब ने इमरान की बात सुनकर कहा, अस्मा हो सकता है नींद में बच्चों का सूसू निकल जाता है, इसका भी निकल गया, ये ऐसी बोल रहा है ख्वाब देख के। इमरान रोने लगा, नहीं मम्मा मेरा यकीन करें, कोई मेरे ऊपर पानी डाल रहा था। इतने में इमरान की गवाही उसके छोटे भाई असद ने दी और उसने कहा, हाँ मम्मा भाई ना बेड पे बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे और किसी से लड़ रहे थे और चीख चीख के कहते हैं मुझ पे पानी मत डालो, ये गंदा पानी है मेरे ऊपर मत फेंको। मैंने खुद भाई को इस तरह से चीखते हुए देखा। फिर उसके बाद भाई को किसी ने बेड से नीचे फेंक दिया और वो पूरे के पूरे भीग गए। ये बात सुनने के बाद बाजी और भाई दोनों को यकीन हो गया कि ज़रूर घर में कुछ ना कुछ मसला चल रहा है। अगले दिन भाई साहब काफ़ी पूछताछ करके एक सूफी साहब को घर में लेकर आ गए। उन्होंने घर का जायज़ा लिया, इमरान को देखा पिटाया,
फिर बताया कि जिस जगह आपके बेटे ने वसुसु किया था वहाँ पे बुद्धिज्म के मानने वाला कोई जिन था जो अपनी इबादत कर रहा था, और वो एक फीमेल थी, फीमेल बुद्धिज्म की मानने वाली, यानी जिनात भी अलग अलग मजाहिब को मानते हैं ना, तो वह बुद्धिज्म की बिलीवर एक फीमेल जिन थी जो कि अपनी इबादत कर रही थी, और उसी जगह पे उस बुद्धिज्म फीमेल जिन की लड़ाई कुछ इल्यूमिनाती फ्री मैसेंडी के वर्शिपर से चल रही थी जो कि उसको इबादत में तंग करने की कोशिश कर रहे थे, और जब आपके बेटे ने वहाँ पे आके इस तरह से किया तो उसकी इबादत बिल्कुल तर्क हो गई, और अब आपके बेटे को कोई एक चीज़ नहीं बल्कि काफ़ी चीज़ें डरा रही हैं। अगले दिन वो भाई साहब सूफी के पास पहुँचे, उन्होंने कहा प्लीज़ आप मुझे कोई हल बताएं, मेरा बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, मेरे घर वाले डरे सहमे रहते हैं। उन्होंने कहा मैं एक काम करूँगा, तुम्हारे घर आके कुछ पढ़ूँगा और उसके बाद ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस चीज़ का इलाज हो सकता है या नहीं। नेक्स्ट डे जब वो आए और उनके घर के अंदर कुछ कीले पड़ के जो हैं वो ठोकने लगे और आबे जमजम दीवारों पर जब फेंकने लगे तो किचन में से बकायदा प्लेटें हवा में उड़ती हुई उनकी तरफ आई, जैसे मानो कोई अनदेखी चीज़ उन पर हमला कर रही हो। ज़ोर ज़ोर से कमरे की तरफ बर्तन आने लगे, ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वन देखे मखलूक चिल्ला रही थी कि मैं इनका पूरा घर गंदा कर दूंगी और इस लड़के को तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतने में एक बड़ा प्याला आकर इमरान के चेहरे पर लगा और उसकी नाक से खून बहने लगा और वो फौरन बेहोश हो गया। इसके बाद कई दिन सूफी साहब उसका इलाज करते रहे। अस्मा बाजी बताते हैं कि हमें तो ऐसा लगता था कि वो मखलूक इमरान को मार के ही दम लेगी। कभी वो सोई हुई हालत में छत पे पड़ा होता था, कभी बाथरूम में, अक्सर उसे बांध कर सुलाना पड़ता था ताकि जब वो उठे तो उसी जगह पे मिले। सूफी साहब इलाज के दौरान अक्सर उस मखलूक को हाजिर करते थे और कहते थे कि ये बच्चा, इसे गलती हो गई, इसे माफ़ कर दो, मैं उम्र भर तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, तुम एक मेहरबान औरत हो, तुम इस बच्चे को माफ़ कर दो। तो वो कहती थी मैं तो इसे माफ़ कर दूँ लेकिन ये जो बुरी ताकतें इसे तंग कर रही हैं, इनको इनसे कैसे बचाओगे। ये तमाम मामला देखे सूफी साहब जान गए कि ये उनकी बस की बात नहीं थी। सूफी साहब ने मशवरा दिया कि आप इस घर को छोड़ दो और वापस कराची चले जाओ। उन्होंने कुछ ऐसे ही किया, वो अपने इस्लामाबाद सेक्टर F6 के घर को छोड़ के कराची वापस आ गए। इस वाक्य के बाद से उनका बेटा इमरान काफ़ी कमज़ोर हो गया था, अब मुकम्मल सेहतियाब है। अस्मा बाजी अब अपने बच्चों के साथ हम सबको ताकीद करती हैं कि बाहर जब भी सैर तफरी के लिए जाओ तो कभी भी रफाई हाजत के लिए बच्चों को इधर उधर ना बिठाओ, बल्कि बैतुल खला का इस्तेमाल करो और अपने बच्चों को रफाई हाजत से पहले की दुआएं लाजमी याद कराओ ताकि ऐसे हादसात से वो महफूज रह सके। सो ये बुद्धिस्ट ग्रेवयार्ड इस्लामाबाद जो कि बहुत पैरानॉर्मल एक्सपेक्ट्स की वजह से मशहूर है, वहाँ उसकी करीब रहने वाली अस्मा के बेटे के साथ जो वाक्या पेश आया था वो मैंने आपको बताया, आपकी समातों की नज़र किया। और यहाँ पे जी वक्त भी 3:01 हो चुके हैं और हमारे जाने का वक्त आ चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। जाते जाते आप लोगों के नाम लोगों को मैं शामिल कर लूँ, मुस्तफ़ा मकशफा, क्विन शाह, इसरा वहाब, वासिस सेठ, महर अली, इट्स मी शयान अली, शान तारिक जो कि यहाँ पर आ गई है फेसबुक पर भी, फरहाद, शफक सैयद, शफक मेरी बेस्ट फ्रेंड, गेम वाला रईस, मोहम्मद अली और काफ़ी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों की समातों का बहुत शुक्रिया। सो नेक्स्ट वीकेंड यानी कि हफ्ते की रात 2 बजे कुछ और टॉपिक, कुछ और वाक्यात के साथ आपकी समातों को खिदमत पहुंचाने के लिए हाजिर होंगी। बट मैंने आपको बताया था ना कि ये जो मेरा शो है ये रिकॉर्ड हो रहा होता है, इसे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर लेती हूँ, मेरे काफ़ी लिसनर इसको नेक्स्ट डे यूट्यूब पे जाके सुनते हैं। तो आपने भी जी फेवर ये करनी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जब इसको ये मैं अपलोड कर दूँगी
इसको आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। शेख जैद बिन अशरफ कहते हैं काइंडली ट्राई टू एक्सटेंड योर शो टाइमिंग। शेख जैद बिन अशरफ मैं सच्ची कोशिश करती हूँ, बट मेरी ना अपनी थोड़ी वो है, अब मैं इसके बाद स्टडी करने के लिए बैठ जाऊँगी, एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो उस वजह से ना मैं इतना ही टाइम निकाल पाती हूँ जिसमें मैं आप लोगों को ना मतलब सही से बात कर सकूँ। ये ना हो फिर मैं अगर एक्सटेंड कर दूँ ना, मैं जल्दी जल्दी में मुझे फ़ील ही ना आया मैं आपको वाकयात सुनाती जाऊँ, इस वजह से एक घंटे का, बट कोशिश करेंगे। वैसे भी अगले महीने तक हमारी शिफ्टिंग पूरी कंप्लीट होने वाली है, नेक्स्ट घर में जाऊंगी तो सेटअप भी थोड़ा बड़ा करूंगी और कोशिश करूंगी कि इसको एक्सटेंड करूं। एक्सटेंड ना करूं तो कम से कम वीक में दो दफ़ा कर लूं। वर्सेस इट कहते हैं जी लगाए रखो शुगल मेला, नेक्स्ट वीक करोड़पति बन जाओगे। जी शुगल मेला तो लगाएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ को शेयर करना है, और हो सके तो जी अपनी स्टोरी पर लगा दीगा, और नाइट विद विजा को बोलते ना सबको कि फॉलो कर लें, वीकेंड नाइट को शो करती है दोस्त हमारी। बाकी शुक्र मेला लगा रहेगा। सो फेसबुक वाले इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा वाले फेसबुक को, मैं आपको बता दूं फेसबुक पे ज़रा हम लोगों की काफ़ी अच्छी खासी ऑडियंस जा रही है फेसबुक पे, तो हम लोगों को लाइक और फॉलो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। मैं थैंक यू बोलूँगी अपने मॉडरेटर्स को सबसे पहले, जो फेसबुक कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इंस्टा को मैं खुद मैनेज कर लेती हूँ, बट फेसबुक पेज का मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि मॉडरेटर भी हैं उस पेज पे, एडिटर भी हैं, वो कहते हैं बस हम पे छोड़ दो, माशाल्लाह वो रीचिंग कहाँ कहाँ तक ले जाते हैं। मैं जब स्क्रीनशॉट डालती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, 1500 से ऊपर, कभी कभी 1,500,000 से ऊपर, इतनी ज़्यादा रीचिंग जा रही होती है। मैं भी अपनी रिसेंट पोस्ट की भी रीचिंग ना लाजमी स्टोरी पे लगाऊंगी। सो थैंक यू सो मच, बिग थैंक्स टू ऑल माई मॉडरेटर जो कि फेसबुक पेज को मैनेज करते हैं। यहाँ से आप लोगों ने मुझे बिल्कुल बेफिक्र किया हुआ है, और आप तमाम लोग जो सुन रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके साथ होने वाला कोई वाकया या फिर आपके किसी जानने वाले के साथ जो पेश आया हो, आप चाहते हैं आपके नाम के साथ उसे मैं अपने शो का हिस्सा बनाऊं, तो मुझे लाजमी DM कीजिएगा। DMs ओपन हो चुके हैं क्योंकि अभी हम ब्रेक पे थे, तो DM बनते हैं। अब DM ओपन हो चुके हैं तो आप आराम से उसको लिखें, राइट करें, सेंड कर दें, मैं आपके नाम के साथ अपनी शो की जीनत बनाऊंगी उसे, और जब यहाँ बनेगी तो ऑफकोर्स वो यूट्यूब पर भी जाएगा, सो आप उसको लाजमी DM कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है, चलते ना, अपना बहुत ख्याल रखें और मेरी बात सुने। अगर इस वक्त आप मुझे ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, या अपनी छत पे लेट के सुन रहे हैं, या अपने कमरे की लाइट्स ऑफ करके सुन रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम जिन भूत जिनात हम जात इन चीज़ों का जिक्र करते हैं, तो ऑफकोर्स ये हमारी तरफ थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं। यही वजह होता है कि कोई हॉरर मूवी देखने के बाद हमें वॉशरूम जाते हुए डर लग रहा होता है, हमें गूज बम्स हो रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा ऑरा फील कर रहा होता है, वो हमारे माइंड में आ चुके होते हैं। सो अगर आपको भी खौफ सा महसूस हो रहा है, आपको लगता है कि किचन के पास से कोई लड़की का साया आपको नज़र आया है, हवा से हिलते हुए पर्दे के पीछे छुपा हुआ वो छोटा बच्चा, पार्किंग में नज़र आने वाली वो पुरसरार बुज़ुर्ग खातून जो गायब हो गई थी, वो छोटी सी बच्ची जो नीचे फर्स्ट फ्लोर के सीढ़ियों पे रो रही थी और जब आप ऊपर आए तो गायब हो गई, रात के 3 बजे किचन के नलके से आने वाली सरगोशियाँ फ़नी तो लगती हैं, लेकिन क्या आप भी इन्हें मेरी तरह एक्सपीरियंस करते हैं? अगर आपको रात में अपने बेड के नीचे गिरी हुई हैंडफ्री निकालने से डर लगता है, तो मेरी बात माने, देयर इज अ मॉन्स्टर अंडर योर बेड। क्या हुआ, आपकी तरफ बिल्लियां चीख रही हैं, कुत्ते जोर से अचानक रात को भौंक रहे हैं क्योंकि वो किसी शैतान को देख रहे हैं? खैर अगर ये सब हो रहा है, बिकॉज ये तो 3 बज रहे हैं और ये वक्त इंसानों के सोने का होता है, इब्ने आदम के सोने का होता है और जिन्नज़ादों के जागने का होता है, और जब हम उनकी बात करते हैं तो वो भी गुमान से हमारी तरफ देखते हैं, आया ये शख्स हमारे बारे में क्या बात कर रहा है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है
कि कोई आपको देख रहा है, आपके दीवारों के कोनों में छुपे हुए डीमंस, सोते हुए आपका सांस रोकने वाला अलकबूस जिन। अगर आपको किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है तो डरिएगा मत, क्योंकि आप तो अशरफुल मखलूक है ना। एंड रिमेंबर वन थिंग, द डेड डू नॉट हर्ट बट द लिविंग वन डस। सो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। Like the perfect I love peace.